चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज की सभी ताजा बड़ी महत्वपूर्ण सिलेक्टेड और काम की खबरों को केवल एक वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य खबरें देखने की जरूरत नहीं होगी, तो बड़े इत्मीनान से इस वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देख लें। अभी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई बड़े घोषणा, बड़े बदलाव कर दिए हैं, बड़ी खबरें हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। साथ ही दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं, जो भी इस वीडियो को लाइक और शेयर करे, माँ जगत जननी सदा उस पर अपनी कृपा बनाए रखे, यही हमारी प्रार्थना है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अलर्ट जारी, प्रमुख मेला स्थलों और मंदिरों पर रहेगी चौकसी, तलाशी व छानबीन के बाद मिलेगा प्रवेश। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में रामनवमी के मद्देनजर प्रमुख मेला स्थलों और मंदिरों में तलाशी के बाद ही प्रवेश मिलेगा। इस संदर्भ में डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेला स्थलों और मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। साथ ही कहा है कि प्रदेश में यातायात जाम की स्थिति से निपटने के लिए संवेदनशील स्थलों की पहचान कर मौके पर अधिकारियों की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि रामनवमी पर शांति बनाए रखने के लिए सभी धर्मगुरुओं और पीस कमेटी की बैठकें आयोजित की जाएं। यूपी में व्यवसायिक वाहनों में ड्राइवर सीट के सामने लगाएंगे फैमिली फोटो, सड़क घटना को कम करने के लिए परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। दरअसल आपको बताने की सेफ ड्राइविंग के लिए परिवहन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है। इसके तहत व्यवसायिक वाहनों में ड्राइवर अपने परिवार के सदस्य को फोटो के चालक सीट के सामने लगाएंगे, ताकि वाहन चालक बिना लापरवाही बरते सावधानी से गाड़ी चलाएं। इसको लेकर प्रमुख सचिव परिवहन ने बैठक भी की। अपर परिवहन आयुक्त सड़क सुरक्षा पुष्प सिंह सत्यार्थी का कहना है कि वर्ष 2022 में उत्तर प्रदेश में सड़क घटना से 22,595 लोग चल बसे थे, हालांकि जो आंकड़ा है 2023 में वह 1,000 और बढ़ गया है। यूपी के सभी 75 जिलों के मोटर कैब, मैक्सी कैब, बस सहित सभी व्यवसायिक वाहनों में इसे लगाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। क्या यह फैसला सही है, कमेंट जरूर करें। यूपी में महिला बोली, रवि किशन मेरी बेटी के पिता, लखनऊ में कहा हमारी 28 साल पहले शादी हुई, दिखाएं कई साथ के फोटो। दरअसल आपको बताने के लोकसभा चुनाव के बीच गोरखपुर के सांसद रवि किशन विवादों में घिर गए हैं। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपर्णा ठाकुर नाम की एक महिला ने उन पर गंभीर आरोप लगाया है। कहा सांसद रवि किशन उसके पति हैं, दोनों की एक बेटी भी है, लेकिन अब रवि किशन उनसे कोई रिश्ता नहीं रखते। उनकी शादी रवि किशन से 1996 मुंबई में हुई थी, परिवार और दोस्त भी हमारी शादी में मौजूद थे। सभी के सामने रवि किशन ने मंगलसूत्र और सिंदूर लगाकर शादी की, खुद जब बड़े फिल्म स्टार बन गए तो मुझे छोड़ दिया, मैं इंसाफ पाने के लिए दर दर भटक रही हूँ। उत्तर प्रदेश में बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला होंगी जौनपुर से बसपा प्रत्याशी, पूर्व आईएएस कृपा शंकर मछली शहर से लड़ेंगे। जी हां, आपको बताने की बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला को बसपा ने जौनपुर से लोकसभा का प्रत्याशी बनाने का फैसला कर लिया है। जौनपुर में आयोजित होने वाले जिला स्तरीय बैठक में आज इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। मंडल प्रभारी घनश्याम सिंह खरवार ने इसकी पुष्टि की है। वहीं जौनपुर की दूसरी सीट मछली शहर से कृपा शंकर सरोज को टिकट दिया गया है, वह पंजाब कैडर के पूर्व आईएएस हैं। श्रीकला को बसपा का टिकट भाजपा के लिए भी बड़ा झटका है। श्रीकला इस समय भाजपा के सहयोगी अपना दल से जौनपुर की जिला पंचायत सदस्य है। उत्तर प्रदेश में अपहरण कांड पर कोर्ट सख्त, अमरमणि के लखनऊ की संपत्ति 15 दिन में कुर्क करने का आदेश। जी हां, आपको बताने की बस्ती शहर के व्यापारी पुत्र के अपहरण केस में लंबे समय से फरार घोषित पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की लखनऊ स्थित संपत्ति कुर्क करने के लिए पुलिस को अदालत से 15 दिन की मोहलत मिली है। विशेष न्यायाधीश सप्तम एमपी एमएलए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी की अदालत की केस में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि 2 दिसंबर 2023 को कुर्की का आदेश दिया गया था। इस क्रम में महाराजगंज के शास्त्री नगर नौतनवा स्थित पूर्व मंत्री के मकान की कुर्की कर एडीएम महाराजगंज की ओर से नियुक्त रिसीवर नायब तहसीलदार नौतनवा को मकान की चाबी सुपुर्द की गई है। उत्तर प्रदेश में 18 अप्रैल को मुफ्त में करिए ताज का दीदार, सभी स्मारकों में पर्यटकों को मिलेगा निःशुल्क प्रवेश। जी हां, आपको बताने की पर्यटकों के लिए खुशखबरी है, ताज किला सीकरी समेत सभी स्मारकों में विश्व धरोहर दिवस पर 18 अप्रैल को निःशुल्क प्रवेश किया जा सकेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इसके लिए आदेश जारी कर दिए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीक्षक पुरातत्वविद डॉक्टर राजकुमार पटेल ने बताया कि अकबर का मकबरा सिकंदरा में विश्व धरोहर दिवस पर टीयर्स के साथ बच्चों के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। 18 अप्रैल को किसी स्मारक में प्रवेश के लिए टिकट नहीं लिया जाएगा, सभी टिकट काउंटर बंद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी के नामांकन की तैयारियों में जुटी भाजपा, इस तारीख को वाराणसी से भर सकते हैं पर्चा। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार का लक्ष्य बेधने के लिए देश भर में लगातार सभाएं और रोड शो कर रहे हैं। वहीं भाजपा उनके नामांकन की तैयारी में जुट गई है। पार्टी सूत्रों के अनुसार नरेंद्र मोदी 13 या 14 मई को वाराणसी संसदीय सीट से पर्चा दाखिल कर सकते हैं। वह नामांकन के लिए 13 मई को ही बनारस आ सकते हैं। यह संकेत 2 दिवसीय काशी प्रवास के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल दिया। सूत्रों ने बताया कि पिछली बार की तरह इस बार भी प्रधानमंत्री का रोड शो होगा। अगले दिन बाबा विश्वनाथ और गंगा से आशीर्वाद लेकर नामांकन करेंगे।
पश्चिम की हवा साफ करेगी भाजपा का सूपड़ा। अखिलेश बोले, हमारी सरकार बनी तो गरीबों को आटा और डाटा फ्री देंगे। जी हां, मुजफ्फरनगर में स्वाभिमान रैली में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम की बदलती हवा इस बार पूरे देश में भाजपा का सूपड़ा साफ करेगी। यह चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। भाजपा सरकार में किसानों का शोषण हुआ, भाजपा सरकार में उद्योगपतियों का कर्जा माफ किया, किसानों का नहीं किया गया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा गरीबों को जो राशन दे रही है वो बहुत खराब है। हमारी सरकार बनी तो गरीबों को अच्छा राशन के साथ मुफ्त आटा और डाटा भी दिया जाएगा, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, नौजवानों को नौकरी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बुजुर्ग और दिव्यांग आज करेंगे पोस्टर बैलेट से मतदान। चुनाव आयोग ने घरों में ही वोटिंग की दी सुविधा। दरअसल आपको बता दें कि गौतम बुद्ध नगर के नोएडा, दादरी और जेवर विधानसभा में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता आज पोस्टल बैलेट से मतदान करेंगे। इसके साथ ही खुर्जा और सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र में भी शनिवार को वोट देने से वंचित बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर मतदान कर्मियों की टीम दस्तक देगी। दादरी और जेवर में 16 अप्रैल की तिथि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान करने के लिए निर्वाचन आयोग ने निर्धारित कर दी है। दरअसल 85 वर्ष की आयु जो पूर्ण कर चुके हैं उन सभी बुजुर्गों को घर पर ही पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा दी जा रही है। यूपी में कोर्ट जा रहे जज की पुलिस ने रोकी कार, दूसरे रास्ते से जाने को कहा तो इंस्पेक्टर समेत 4 पर होगा एक्शन। जी हां, आपको बता दें कि यूपी के बरेली में कलेक्ट्रेट के पास चुनावी ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों ने जज की कार रोक ली। परिचय देने के बावजूद उन्हें दूसरे रास्ते से जाने को कहा। इस पर जज ने जिला निर्वाचन अधिकारी और SSP को फोन कर पूरे मामले से अवगत कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई को कहा। SSP ने इंस्पेक्टर समेत 4 पुलिस कर्मियों को दोषी मानते हुए चुनाव आयोग से उनके निलंबन की संस्तुति की है। कलेक्ट्रेट में लोकसभा चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया थी। इसी दौरान सुबह करीब 10:30 बजे सिविल जज जूनियर डिवीजन आकाश गुप्ता को न्यायालय परिसर जाने के दौरान पुलिस ने रोक कर दूसरे रास्ते से जाने को कहा। यूपी में आदित्य ने शिव मंदिर में पूजा की, मजार पर चढ़ाई चादर, शिवपाल यादव के बेटे ने नामांकन किया। दरअसल आपको बताने की बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य ने पर्चा दाखिल कर लिया। नामांकन से पहले आदित्य ने शिव मंदिर में दर्शन किए, फिर मजार पर चादर चढ़ाई। इसके बाद वह चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, मगर आदित्य को गेट पर कुछ देर के लिए रोक दिया गया क्योंकि उनके साथ 6 लोग थे। बाद में 5 लोगों को अंदर भेजा गया। बताने के पिता शिवपाल की जगह बेटे आदित्य यादव को बदायूं से ठीक कर दिया गया है। इधर आदित्य यादव ने भी कई बड़ी बातें कह दी है। कहा कि गढ़ उनका होता है जिन्हें घमंड होता है, बदायूं से नेता जिसे लेकर धर्मेंद्र, और अब मुझे मौका मिला इसलिए मैं खुश हूं। उन्होंने कहा कि 5 साल में भाजपा ने यहां कोई विकास नहीं कराया, भाजपा बंटवारे की राजनीति करती है, लोगों के बीच भ्रम फैलाने का काम करती है। आंवला का मालिक मैं हूं, घुसने नहीं दूंगा, आबिद के बिगड़े बोल, सांसद धर्मेंद्र कश्यप को बताएं टायर पंचर वाला नोटिस जारी। दरअसल आपको बताने की लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों राजनीतिक दलों में जुबानी जंग तेज हो गई है। कोई एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मन रहा है तो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा एक मामला आंवला लोकसभा क्षेत्र से सामने आया है। इस लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी सैयद आबिद अली का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में सैयद अली मौजूदा सांसद और भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र कश्यप को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए दिख हैं। एक जनसभा के दौरान सैयद अली ने धर्मेंद्र कश्यप को टायर पंचर वाला तक बता दिया। वायरल वीडियो में सैयद अली कहते नजर आ रहे हैं कि आंवला का मालिक मैं हूं, घुसने नहीं दूंगा। मोदी जी योगी जी ने रोक दी बेरोजगारी, चुनाव के बीच डीप फेक के शिकार हुए निरहुआ, इसी से लगाई गुहार। दरअसल आपको बता दें कि आजमगढ़ से भाजपा के सांसद और उम्मीदवार दिनेश लाल निरहुआ का एक बड़ा बयान वायरल हो रहा है। वीडियो में उन्होंने कथित तौर पर यह कहा कि बेरोजगारी तो वे लोग बढ़ा रहे हैं जो बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। निरहुआ का कहना है कि यह वीडियो पूरी तरह फेक है, उन्होंने चुनाव आयोग से इसका संज्ञान लेने की गुहार लगाई है। दरअसल आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ है इसमें निरहुआ कहते दिख रहे हैं, बताइए मोदी जी या योगी जी का एक भी बच्चा है क्या? उन्होंने तो बेरोजगार को रोक दिया कि बेरोजगारी नहीं बढ़ाएंगे, तो बेरोजगारी बढ़ा कौन रहा है? वे वो लोग हैं जो बच्चे पर बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। सरकार कह रही है रुक जाओ तो मान भी नहीं रहे हैं। हालांकि भाजपा ने कहा है कि ये वीडियो फेक है और AI के जरिए बनाया गया है और इसे लेकर चुनाव आयोग के सामने गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश में चार्जशीट रद्द होने के आधार पर खारिज नहीं हो सकता घरेलू मामला केस, हाईकोर्ट ने इसे भी दीवानी केस कहा। दरअसल आपको बताने के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि किसी आपराधिक मुकदमे के चार्जशीट रद्द किए जाने के आधार पर उसी मामले में घरेलू हिंसा कानून के तहत चल रहे मुकदमे को रद्द नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि घरेलू अधिनियम के तहत की जाने वाली कार्रवाई दीवानी प्रकृति की होती है, इसीलिए आपराधिक मुकदमा रद्द होने के आधार पर इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने एटा सुषमा वानी की याचिका खारिज करते हुए दिया।
उत्तर प्रदेश में कलावा बांध कर कबाड़ खरीदने पहुंचा मुस्लिम युवक, नाम पता पूछा फिर दूसरे व्यक्ति ने कर दी पिटाई। दरअसल आपको बता दें कि यूपी के अलीगढ़ के सासनी गेट इलाके में एक युवक को हाथ में कलावा बांध कर कबाड़ खरीदना भारी पड़ गया। मुस्लिम समाज का होने के चलते उसे एक अन्य युवक ने पकड़ कर पीट दिया। मामला 4-5 महीने पुराना बताया जा रहा है। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। दिल्ली गेट थाना क्षेत्र निवासी एक मुस्लिम युवक कबाड़ खरीदने का काम करता है। आरोप है कि वह हाथ में कलावा बांध कर खिरनी गेट क्षेत्र में कबाड़ खरीद रहा था। इस दौरान उसे एक युवक ने रोक दिया और नाम पता पूछने के बाद उसे मार दिया। लालू यादव के जैसों को यूपी में ठंडा कर दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में दिखाए अपने तेवर। जी हां, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने चीर परिचित शैली में विपक्ष पर हमलावर हैं। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार के लिए वह बिहार के औरंगाबाद व नवादा में थे। कहा कि लालू प्रसाद जैसे परिवार की राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश में भी हैं, जिन्हें ठंडा कर दिया गया, जनता ने उन्हें नकार दिया है। योगी ने जनसभा में औरंगाबाद से भाजपा प्रत्याशी सुशील कुमार सिंह व नवादा में विवेक ठाकुर को विजयी बनाकर पूरे देश में राजद के 400 पार का संकल्प पूरा करने की अपील की। वहीं लखनऊ में योगी ने कहा कि यह पहला चुनाव है जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना को लेकर लड़ा जा रहा है। यह संकल्प पत्र नए भारत, श्रेष्ठ भारत को समृद्ध बनाने का ब्लूप्रिंट होगा। उत्तर प्रदेश में मम्मी पापा के वोट देने से मिलेंगे एक्स्ट्रा मार्क्स, चुनाव में बच्चों को मिला ये चैलेंज। जी हां, आपको बताने कि अगले लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए किए जा रहे निरंतर प्रयासों के क्रम में एक और नई पहल की गई है। इसके तहत यूपी के गोंडा में अपने मताधिकार का उपयोग करने वाले मतदाताओं के बच्चों को परीक्षाओं में अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे। यानी मम्मी पापा का वोट बच्चों को क्लास में एक्स्ट्रा नंबर दिलाने में सहायक साबित होगा। उल्लेखनीय कि गोंडा जनपद में मतदाता जागरूकता को लेकर कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज से गोरखपुर में बदलेगी स्कूलों की टाइमिंग। सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे 12वीं तक के स्कूल। दरअसल आपको बता दें कि गोरखपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के समय में बदलाव हुआ है। डीएम कृष्णा करुणेश के तेज धूप, उमस भरी गर्मी और चल रही हीट वेव को देखते हुए क्लास 1 से 9 तक के स्कूल का समय बदल दिया गया है। इसके तहत आज से अग्रिम आदेश तक जिले के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सरकारी विद्यालय क्लास 1 से लेकर 12 तक सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक संचालित होंगे। डीएम ने सख्त हिदायत दी है कि देश का सख्ती से अनुपालन कराया जाए। इसके अलावा विद्यालयों में शुद्ध जल, ORS पैकेट का घोल, दवाएं और अन्य जरूरी सामानों का प्रबंधन होना आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों का हो रहा उत्पीड़न, बसपा प्रमुख मायावती का भाजपा पर बड़ा तंज। जी हां, आपको बताने कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भाजपा पर बड़ा वार किया। मायावती ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में हिंदुत्व की आड़ में मुस्लिमों का उत्पीड़न कर देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटा जा रहा है। मुरादाबाद के लाइन पार स्थित खचाखच भरे रामलीला मैदान में मायावती ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की गलत नीतियों की वजह से देश में बेरोजगारी की भयावहता किसी से छिपी नहीं है, इसीलिए पढ़े लिखे बेरोजगार युवा हताश निराश हैं। आंदोलित किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आज मध्यम वर्ग परेशान है। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अन्य वर्गों को पिछले कुछ वर्षों से सरकारी नौकरियों में अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मेरठ में अरुण गोविल बोले संविधान में संशोधन होना चाहिए। भाजपा प्रत्याशी के बयान पर बवाल, सपा ने कहा नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल आपको बताने कि मेरठ से भाजपा प्रत्याशी अभिनेता अरुण गोविल के बयान पर बवाल मच गया। अरुण गोविल ने मेरठ में जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए संविधान में संशोधन की इच्छा जताई। सवाल के जवाब पर अरुण गोविल ने कहा कि समय के साथ परिवर्तन उचित है। अरुण गोविल ने इसी के तहत संविधान में संशोधन की बात कही। उनका यह बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बयान की निंदा की। उधर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी सोशल मीडिया पर अरुण गोविल के बयान को लेकर टिप्पणी की। बता दें कि अरुण गोविल से पहले भाजपा के अयोध्या से सांसद लल्लू सिंह भी संविधान बदलने की बात कह चुके हैं। यूपी में अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने निकाला तो भाजपा ने अपनाया, भगवादारी हो गए रामपुर के नवाब हमजा मियां। दरअसल आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने रामपुर नवाब हैदर अली खान हमजा मियां को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। इसके बाद हमजा मियां ने उनकी सहयोगी पार्टी भाजपा को ज्वाइन कर लिया। अपना दल से निकाले जाने के कुछ ही घंटों बाद रामपुर के नवाब हमजा भगवादारी हो गए। रामपुर से भाजपा उम्मीदवार घनश्याम लोधी के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और चुनाव प्रभारी एवं विधान परिषद सदस्य हरि सिंह ढिल्लो समेत कई नेताओं की मौजूदगी में हमजा ने भाजपा के सदस्यता ली। यूपी के MMUT में मिलेगा हाई स्पीड नेटवर्क का अध्ययन, अध्यापन में होगी आसानी, ऑनलाइन पर निर्भरता को देखते हुए बड़ा बदलाव। दरअसल आपको बता दें कि ऑनलाइन व्यवस्था पर अध्ययन अध्यापन के बढ़ते निर्भरता को देखते हुए मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नेटवर्किंग व्यवस्था को बेहतर बना रहा है। इसके लिए वो अपने मद से 5 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। इस धनराशि से वो परिसर में वाईफाई नेटवर्क का प्रसार तो बढ़ा ही रहा है, विद्यार्थियों और शिक्षकों को इंटरनेट की हाई स्पीड मिल सके इसके लिए नेटवर्क की क्षमता भी बढ़ा रहा है।
यूपी में पहले चरण के प्रचार के अंतिम दिन आ रहे गांधी। सहारनपुर में प्रियंका गांधी का रोड शो, गाजियाबाद में राहुल अखिलेश की पीसी। दरअसल आपको बताने कि यूपी में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का प्रचार अब केवल दो दिन रह गया है। सपा भाजपा के साथ ही बसपा भी मैदान में आ चुकी है। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की कमी उसके प्रत्याशियों को खल रही है। अब यह कमी दूर होने जा रही है। राहुल और प्रियंका एक ही दिन चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी सहारनपुर में रोड शो करेंगी। राहुल गांधी उसी दिन अखिलेश यादव के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रोड शो और प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों 17 अप्रैल को होगी। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को है। 17 अप्रैल को ही पहले चरण के प्रचार का अंतिम दिन है। यूपी में मथुरा के शाहिदगाह मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जानी आज अपने फैसले में क्या कहा। दरअसल आपको बता दें कि मथुरा के शाहिदगाह मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के आदेश को अगस्त में अगली सुनवाई तक के लिए बढ़ा दिया। एससी ने अपने पहले आदेश के तहत मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि सतीश मस्जिद के सर्वे पर रोक लगा दी थी। यह फैसला अदालत की निगरानी में सर्वे की इजाजत वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ था। आज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए अगस्त के पहले पखवाड़े में लिस्टेड करने का आदेश दिया। ऐसा यह देखते हुए कहा गया कि अदालत ने अभी तक याचिका में ऑफिशियल रूप से नोटिस जारी नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर 25 लाख श्रद्धालुओं के अयोध्या आने की तैयारी, मिलेंगी एक खास सुविधाएं। जी हां, आपको बता दें कि रामनवमी पर लगने वाले मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए अयोध्या धाम तैयार है। यहां 25 लाख श्रद्धालुओं के सुरक्षा व स्वास्थ्य के साथ ही भक्तों के निःशुल्क भोजन के इंतजाम भी किए गए हैं। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए अधिकारी 24 घंटे लगातार ड्यूटी करेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि अयोध्या में 17 अप्रैल तक मेला चलेगा, इसके लिए सभी प्रकार की तैयारियां की जाएं। स्वास्थ्य विभाग आपातकालीन बचाव के लिए प्रमुख स्थलों पर एम्बुलेंस लगाए। सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा जाए। यूपी में पीएम मोदी के टुकड़े टुकड़े गिरोह के सुल्तान तंज पर कांग्रेस ने की चुनाव आयोग से शिकायत कार्रवाई की मांग। दरअसल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपकर प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। प्रधानमंत्री ने मैसूर में चुनावी रैली में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गिरोह का सुल्तान कहा था। कांग्रेस ने इसे टिप्पणी के विरुद्ध शिकायत की है। मोदी ने कांग्रेस पर देश को विभाजित, तोड़ने और कमजोर करने के खतरनाक मंशा पालने वाली पार्टी कहा था। उत्तर प्रदेश में सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ दर्ज मुकदमे में छठवीं बार टला फैसला। दरअसल आपको बता दें कि सपा विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ चल रहे मुकदमे में छठवीं बार अपरिहार्य कारणों से फैसला टल गया। डिफेंस कॉलोनी जाजमऊ निवासी नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ 8 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भाई की शादी में गया था, तभी रिजवान सोलंकी, इरफान सोलंकी और उनके साथियों ने मेरे घर में आग लगा दी थी। यूपी में वर्दी के छवि धूमिल करने वाले 122 पुलिस कर्मियों को नोटिस, पुलिस आयुक्त मोहन अग्रवाल ने की कड़ी कार्रवाई। दरअसल आपको बता दें कि वर्दी के छवि धूमिल करने वाले 122 पुलिस कर्मियों को नोटिस जारी किया गया है। पद और नाम से जारी नोटिस में अलग अलग पुलिस कर्मियों को उनकी कमियां बताते हुए सुधार की अपेक्षा की गई है। यह भी बताया गया है कि गोपनीय टीम आपकी बदस्तूर निगरानी कर रही है। गोपनीय टीम एक माह बाद दूसरी रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें सुधार न होने पर क्रमवार शुरू हुई कार्रवाई बर्खास्तगी तक पहुंच जाएगी। यूपी में सोने के दाम में आया भारी उछाल, जानिए आज क्या है लखनऊ में गोल्ड और सिल्वर का रेट। दरअसल आपको बताने कि उत्तर प्रदेश में सोने के दाम में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन बढ़ रहे सोने के दाम अगर इसी रफ्तार से बढ़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सोना 85,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच जाएगा। सोने से रोजमर्रा वाले ग्राहकों ने फिलहाल दूरी बना ली है। साल अलग होने के बाद भी जो चहल पहल दिखनी चाहिए वो बाजार में कम है। फिलहाल आपको बताने कि सोने का दाम एक दो साल में 75,000 से 80,000 के ऊपर जा सकते हैं। फिलहाल सोना 74,950 प्रति 10 ग्राम देखा जा रहा है, तो वहीं चांदी की बात करें तो 82,700 रुपए प्रति किलोग्राम का आंकड़ा छू चुकी है। उत्तर प्रदेश में रामनवमी पर अयोध्या जाने वाले ये हाईवे 5 दिन रहेंगे बंद। राम मंदिर जाना है तो जानिए रूट डायवर्जन। दरअसल आपको बताने की अयोध्या में रामनवमी मेले पर श्रद्धालुओं के आगमन के लिए यातायात पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है। जगह जगह बैरिकेडिंग करके वाहनों के आगमन के लिए रूट डायवर्जन का खाका तैयार किया गया है। आज से 19 अप्रैल दोपहर 12 बजे तक बाहरी जिले के भारी वाहनों का रूट डायवर्जन लागू रहेगा। यातायात पुलिस के मुताबिक अयोध्या की तरफ यातायात डायवर्जन मालवाहक भारी वाहन ट्रक डीसीएम ट्रैक्टर पर यह लागू होगा। उत्तर प्रदेश के 25 जिलों में आज आंधी बारिश का अलर्ट, तेज हवाएं भी चलेंगी। दो दिन बाद पड़ेगी भयंकर गर्मी। जी हां, आपको बताने की उत्तर प्रदेश में मौसम बदल गया है। फिलहाल मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश में धूल भरी आंधी चलने के आसार जताए हैं। पूरे देश में कई मौसमी सिस्टम काम कर रहे हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधी और बारिश की पूर्ण संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटे के दौरान कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, औरैया, जालौन, झांसी व आसपास के जिलों में धूल भरी तेज हवाएं चलने की संभावना है। कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। दोस्तों, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी आप लाइक और शेयर नहीं कर सकते, प्लीज कर दीजिए। इसका कोई पैसा नहीं लगता। चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का निशान दबा लें, ऐसे रोज की ताजा खबरों